नमस्कार मित्रों, मैं विपुल जाधव एजुटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हर बार मैं आपके लिए एजुकेशन में उपयोगी टेक्निकल वीडियो आपके सामने में प्रस्तुत करता हूँ। इस बार मैं आपके सामने हम एक साथ 100 लोगों को या 100 व्यक्तियों को किस प्रकार से ईमेल सेंड कर सके, वो भी व्यक्तिगत रूप से उनको ईमेल मिले, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मित्रों, हम देखते हैं, हमें किसी को इनविटेशन भेजना है, किसी व्यावसायिक क्षेत्र में हमें कोई भी पत्र व्यवहार करना है, या कोई शैक्षणिक संस्थाओं में हमें व्यवहार करना है, या कोई मीटिंग के लिए हमें सूचित करना है, तब ज्यादातर व्यवहार हम ईमेल के माध्यम से ही करते हैं। तो आजकल पत्र व्यवहार का मूल माध्यम, मुख्य माध्यम ईमेल बन गया है। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे हम एक साथ 100 लोगों को ईमेल कैसे सेंड कर रहे हैं और वो भी हर एक व्यक्ति को अपने नाम से ईमेल मिले। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी ओपन करके उनमें आपको एक ईमेल कंपोज करना है। सामान्य रूप से हम जब किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल सेंड करते हैं तो यहाँ पर उनका ईमेल आईडी डालकर हम उसे भेजते हैं, परंतु आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको एक सब्जेक्ट जो भी हो ये वो सब्जेक्ट यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर मेरा जो सब्जेक्ट है वो है संस्कृत सप्ताहोत्सव, और संस्कृत सप्ताहोत्सव में मैं अन्य लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ लिखना है संस्कृत सप्ताहोत्सव, और यहाँ जो विषय है, जो मैटर है, ये यहाँ पर हमें डालिए। तो मैंने यहाँ पर इनके लिए एक ड्राफ्ट तैयार करके रखा है। यहाँ पर आपको एक काम क्या करना है, यहाँ पर जो भी हम मेल करें उनसे पहले हमें एक ब्रैकेट तैयार करना है इस प्रकार से। उसमें हमें लिखना है नेम, यहाँ पर हम जिस प्रकार से लिखे वो हमें अच्छी तरह से ध्यान देना है नेम, और इस ब्रैकेट को हम दे। तो इस प्रकार से हमें नेम का ब्रैकेट एक बनाना है, उनके बाद में हमें जो भी मैटर है, जो भी संदेश है वो लिखना है। तो मैंने एक ड्राफ्ट यहाँ पर तैयार करके रखा है, मैं आपको वहां पर ले जाता हूँ। ये देखो, ये ड्राफ्ट मेरा यहाँ पर तैयार है, संस्कृत सप्ताहोत्सव नेम जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, और यहाँ पर जो भी मेरा विषय है, कंटेंट है, ये यहाँ पर मैंने टाइप किया है। दिनांक 31 से प्रारंभ होने वाले संस्कृत सप्ताहोत्सव के उद्घाटन समारोह में आपको निमंत्रित करते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर इस प्रकार से मैंने आपके सामने रखा है। अब आपको क्या करना है, इनको ये मैसेज आपने आपको ड्राफ्ट करना है, जैसे इसको आप बंद कर देंगे तो ये ड्राफ्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर हो गया है। अब आपको गूगल शीट्स को ओपन करना है, वो या आप यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ पर एप्स पर भी आपको मिल जाएगी, गूगल डॉक्यूमेंट, गूगल स्लाइड्स और गूगल शीट्स। आपको यहाँ पर गूगल शीट्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गूगल शीट्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने गूगल शीट्स ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आपको एक ब्लैंक शीट्स ओपन करनी है। जैसे ही आप ब्लैंक शीट्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से गूगल शीट्स ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप कई सारे कार्य कर सकते हो, परंतु हमें जो काम है वो हमें किस प्रकार से करना है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर सारे जो मेनू दिखते हैं उसमें एड ऑन पर क्लिक करना है। एड ऑन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर गेट एड ऑन्स पर क्लिक करना है। गेट एड ऑन्स पर क्लिक करते ही आपके सामने कई सारे एड ऑन्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये जो मेरा इंस्टॉल है येट अनदर मेल मर्ज ये आपको इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा और यहाँ आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरा यहाँ पहले से इंस्टॉल है इसलिए यहाँ अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। तो मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा, ये एड ऑन आपको एड करना है, उनके बाद यहाँ पर आपको इनको स्टॉप कर देना है। ईमेल एड्रेस इस प्रकार से लिखा आएगा, और ईमेल एड्रेस ये जो कॉलम है इन पर यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस, आपको जैसे ही आप एड ऑन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने
ये ईमेल एड्रेस ऐसा एक कॉलम तैयार हो जाएगा। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको राइट क्लिक करके इंसर्ट वन फीट करना है, ये क्लिक कर देना है। जैसे ही आप करेंगे तो एक और कॉलम आपके सामने साथ जुड़ जाएगा। और यहां पर आपको क्या लिखना है, नेम लिखना है। हमें ये यहां पर ये ध्यान में रखना है कि जो हमने ईमेल में जिस प्रकार से कैपिटल या स्मॉल में लिखा है उसी प्रकार से यहां पर नेम लिखना है। और यहां दो कॉलम तैयार हो गई, नेम ईमेल एड्रेस। आगे अन्य भी आप जोड़ सकते हैं, जो ईमेल हम कंपोज कर रहे हैं वहां पर ये सारे कंटेंट सारे मैटर हमें डालने पड़ते हैं। तो यहां पर नेम वाला जो हमने ब्रैकेट में रखा था ये यहां पर आ गया। अब आपको यहाँ क्या करना है, 100 लोगों के जो नाम है आपके पास एक लिस्ट होगा एक्सेल फाइल में या वर्ड में, वो यहाँ पर डालने हैं और उनके सामने उनके ही ईमेल आपको ऐड करने हैं। मैंने यहाँ पर 4 ईमेल आईडी ऐड किए हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर एड ऑन पर क्लिक करना है। यहाँ पर येट अनदर मेल मर्ज पर आपको जाकर स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो ये वर्किंग शुरू हो जाएगा और यहाँ पर मेल मर्ज अपना काम करना शुरू कर देगा और मेल सेंड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है क्योंकि आप 400 ईमेल पर डे कर सकते हो, इनके लिए आपको फीस देनी पड़ती है, परंतु आप 400 ईमेल पर डे यूज करना चाहते हो तो पर 100 ईमेल तक फ्री है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आपको जो कंपोज किया है आपने ड्राफ्ट के रूप में उनको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर संस्कृत सप्ताहोत्सव का एक ड्राफ्ट तैयार किया था वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और ये सेंड फॉर ईमेल, और मैंने यहाँ पर 4 व्यक्तियों को ईमेल भेज दिया है एक साथ, ये देखो सेंड हो रहे हैं और ये 4 सेंड हो गए, ऑल ईमेल्स हैव बीन सेंट। तो यहाँ पर आप इनको ओके कर दीजिए। ये जो ऑप्शन दिखते हैं यहाँ पर देखो, मेल मर्ज स्टेटस, उसमें आपको ये ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, ये आपको बता रहा है कि ये दो व्यक्तियों ने ईमेल अभी ओपन कर लिए है। अगर जब जब वो ये अन्य लोग भी ईमेल को देखेंगे तो ये इस प्रकार से आप उनको भेज सकते हो। मित्रों तो आप इस प्रकार से एक साथ 100 लोगों तक ईमेल पहुंचा सकते हो। धन्यवाद।